ड्रीम से कौन प्रोग्रेस करता है? ड्रीम्स आप में से किसमें नहीं है? कितनी प्रोग्रेस करी है आपने, बताना जरा। ड्रीम्स किसके अंदर नहीं है? ड्रीम्स का और प्रोग्रेस का क्या कनेक्शन है? जीरो। कोई कनेक्शन नहीं है। इसको बोलते हैं इमेजिनेशंस में रहना। आपके ड्रीम्स को यूज करा है जिन लोगों ने, वो आज की डेट में करोड़पति अरबपति है, आप नहीं हो। लोगों ने कुछ बुक्स लिख दी और आपको बोला कि हाँ इस बुक्स को पढ़ो तो आप करोड़पति बन जाओगे। हुआ क्या? वो तो करोड़पति बन गए। उनकी करोड़ों बुक्स बिक गई, है ना, उनकी तो लॉटरी लग गई, आप वहीं के वहीं हो। तो देखो मजेदार है, जो लॉटरी खरीदता है वो अमीर बनता है, लॉटरी बेचने वाला, जो कैसीनो में जाकर के जुआ खेलता है वो अमीर बनता है या कैसीनो का मालिक? तो कैसीनो का मालिक क्या है? उसकी ड्रीम बड़ी है या वो समझदार है? समझ गए? तो पैसा कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए, लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए समझ चाहिए, ड्रीम नहीं चाहिए। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ। बॉलीवुड में एंट्री मारने के लिए हर रोज बॉम्बे में हजारों लोग ट्रेन से उतरते हैं। वो किसके बेस पे उतर रहे हैं? ड्रीम के बेस पे। सपना ही तो है, सबका पूरा हो जाता है, क्यों नहीं होता? ड्रीम इज इक्वल टू सक्सेस, यही तो आप सोचते हो, ज्यादातर लोग यही तो सोचते हैं। ड्रीम आपके अंदर आएंगे भी तो क्या आएंगे? किसी के अंदर ये ड्रीम नहीं आएगा कि मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। समझ गए ना, ये किसी के अंदर ड्रीम नहीं आएगा। ड्रीम क्या आएगा? कि मुझे हीरो बनना है। ड्रीम कभी भी काम का नहीं आ रहा होता है, उसके साथ में जो जुड़ा हुआ है नेम फेम मनी उसका आ रहा होता है। ड्रीम वहां पर चल रही होती है। तो अब आप कहोगे कि फिर करें क्या? जो आप एक्चुअल में हो उसको समझो। हो सकता है आप बने हो पढ़ने के लिए, आपका जो बेसिक नेचर है शुरू से ही वो है पढ़ाई में इंटरेस्ट है, और जबरदस्ती मूवीज देख करके हीरो बनने के लिए बॉम्बे जा रहे हो, क्या होगा? धक्के खा करके वापस आओगे। दूसरी तरफ से हो सकता है आप बने हो एक्टिंग करने के लिए, स्कूल में कॉलेज में आपने सिर्फ प्लेज में पार्टिसिपेट किया है, ये किया है वो किया, आप हर जगह एक्टिंग ही करते रहते हो सुबह से रात तक, घर में भी बाहर भी, ये भी वो भी, मतलब आप पैदा ही एक्टर बनने के लिए हुए हो और आप पढ़े जा रहे हो पागलों की तरह। आपका ड्रीम है कि मुझे पढ़ाई में टॉप करना है, तो वो ड्रीम कभी पूरा होगा नहीं। तो पहला स्टेप क्या है? पहले समझना कि मैं क्या हूं, उसके बाद भी आपको ड्रीम की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे कैसे आइडेंटिफाई करें? तो आपको पता है कि आपका किसमें इंटरेस्ट है किसमें नहीं है। मुझे नहीं पता है, ये आइडेंटिफाई अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ आप कर सकते हो। Subscribe channel and press the bell icon for the latest videos update.